देखिए बेसिकली पिछले काफ़ी दिनों से ये विवाद चल रहा था कि सामान कहाँ पे लगाया जाए, इनक्रोचमेंट किन की है किन की नहीं है, किस तरह से उसको हटाया जाए। उसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो, क्योंकि रिजेंटमेंट काफ़ी थी दुकान शॉपकीपर्स की भी, काफ़ी पुराना शहर है हमारा, शायद काफ़ी कई सौ साल पुराना शहर है। अब इस हम इसे बिल्कुल नए शहर की तरह तो डिवेलप नहीं कर पाएंगे कि जिस तरह से मोहाली चंडीगढ़ में है, तो दुकानों का डिस्प्ले थोड़ा सा होता है, लेकिन उसके बावजूद कई दुकानदार जो हैं वो सड़कों के ऊपर हैं, जिससे आने जाने वाले को परेशानी होती है, किसी को पार्किंग करने में परेशानी होती है, काफ़ी हद तक सामानों ने बाहर टांगा होता है। इन्हें यही हिदायत दी जा रही है, क्योंकि कल डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई थी हमारी, तो डिप्टी कमिश्नर उधमपुर मैम से भी बात हुई थी हमारी, तो उसमें यही डिसीजन लिया गया है कि अगले 10 दिन तक हम लोग देखेंगे कि शॉपकीपर जो हिदायत हम दे रहे हैं उसके मुताबिक वो चलते हैं या नहीं चलते हैं। क्योंकि शटर के अंदर जो सामान रखा जाएगा, अगर शटर के साथ ही बिल्कुल लाइन लगा दी जाएगी तो काफ़ी मुश्किल है, दुकानदारों को भी कुछ डिस्प्ले चाहिए होता है। इसमें कुछ राहत उन्हें दी जा रही है, जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा उनका स्पेस है तो उसको फुट डेढ़ फुट, या जिनके पास है ही डेढ़ फुट दो फुट की जगह नाली के ऊपर है जो ठीक तरह से पैरेलल नहीं, जहाँ पे लोग नहीं चल पाते हैं, तो वहाँ तक वो अपना सामान डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन इसमें मैं एक चेतावनी भी सभी शॉपकीपर्स को देना चाहूँगा और उनसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप लोग अपना सामान जो है अपनी हद में रखें, अपने जितना आपको जगह दी जाएगी उसमें आप डिस्प्ले भी कीजिए, ताकि आपका भी काम चले और आने जाने वाले किसी राहगीर को। इसमें एक सिंपल सा हमने फंडा जो इख्तियार किया है वो यही है कि जहाँ पे ब्लैक टॉपिंग है, जहाँ तक किसी का स्कूटर या पैदल चलने वाला कोई चल सकता है, वहाँ पे किसी तरह की कोई इंक्रोचमेंट ना की जाए, वहाँ पर किसी तरह का कोई सामान ना रखा जाए। अपने थड़े के बाहर आप लोग थोड़ा थोड़ा सामान रख सकते हैं, जिससे आपका डिस्प्ले भी हो जाए, कारोबार भी आपका चले और आम लोगों को भी इसमें सुविधा रहे, इसीलिए आज ये। उसके बाद ये मीटिंग जो हमारी कुछ संगठन जो हैं वहाँ पे आए हुए हैं, तो आप लोग मुझे लगता है कि वहाँ पे जाके उनकी वाइब्स भी डाल लीजिए कि वो लोग क्या चाहते हैं, किस तरह से चाहते हैं संगठन की, हम किस तरह से, हमारी तरफ से यही हिदायत है कि हम जो है जो गाइडलाइन देंगे, जिस तरह से हम लोग इन्हें बताएंगे कि आपने कितना सामान रखना है, अगर उसी हिसाब से चलेंगे तो इनको कोई परेशानी नहीं आएगी। सभी शॉपकीपर्स हमारे अपने लोग हैं, सभी दुकानदार हमारे अपने लोग हैं, छोटे कारोबारी बड़े कारोबारी, सिर्फ यही है कि किसी भी आम आदमी को दुकानदार की वजह से कोई दिक्कत ना हो, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर सारे निर्णय लिए जाए। कितने बाहर आ सकते हैं, मतलब किस तरह से रख सकते हैं? देखिए आपने देखा होगा कि जैसे फुट डेढ़ फुट तक किसी की नाली अगर 6 फुट आ गई है, तो वो ये नहीं है कि वो 6 फुट तक आगे सामान लगाएगा। बात यह है कि आपको डिस्प्ले के लिए जगह चाहिए, जितनी फुट डेढ़ फुट जो जायज़ जहाँ बनती है, जहाँ लोग नहीं चलते वही जगह इन्हें दी जाएगी, डेढ़ दो फुट तक ये सामान लगा सकते हैं। उसके बाद ये अगर फालतू कोई लगाएगा तो वो हम लोग उसके कार्रवाई की जाएगी।